हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शोल्डर वर्कआउट कैसे करते हैं। इस शोल्डर वर्कआउट करने से आपके पूरे शोल्डर मजबूत हो जाएंगे। शोल्डर वर्कआउट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ वार्म अप कर लें, कुछ जंपिंग जैक्स की एक्सरसाइज कर लें, स्क्वाट जंप मार लें, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अपने शोल्डर को मजबूत करना है। आपने कोई एक्सरसाइज ऐसे नहीं लगानी, एकदम स्लो लगानी, एकदम स्पीड में नहीं लगानी, एकदम कंफर्टेबल होकर लगानी है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में जो शोल्डर को पूरा मजबूत कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे। चलिए बात करते हैं पहले एक्सरसाइज के बारे में। इस एक्सरसाइज में आपने दो ईंट लेने हैं। दो ईंट आपने इस तरह इसको यहाँ पे रख देना। उसके बाद आपने इस पोजीशन पे आना है। इस पोजीशन पे अपने हिप्स को ऐसे रखो, ऐसे हिप्स इतना रखना है हिप्स को, और इसको यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे नीचे आना ऐसे, जितने मर्जी बार कर लो, 20-30-40-50-60 जितने मर्जी बार, लेकिन आपने करना है स्लो स्लो करना है। ऐसे करना है आपको स्लो स्लो। इस एक्सरसाइज में आपके जो बैक है, बैक के कट है, वो ऊपर के ऊपर आएंगे, और आपको इस एक्सरसाइज को स्लो स्लो लगाना है। आपने कोई तेजी से नहीं करना है, आपको स्लो करना है, अपने आप को टाइम देना है, शरीर को गर्म करना है। ये तो हमने कर ली बैक एक्सरसाइज की, मतलब शोल्डर के बैक के एक्सरसाइज के बारे में बात करी। अब हमने बात करनी है आगे के एक्सरसाइज की। यहाँ पे अब हमारा पीछे तो मजबूत हो गया, लेकिन हमें आगे भी तो चाहिए, तो इसलिए हमें आगे वाली एक्सरसाइज भी करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको ईंट की जरूरत पड़ेगी। आपको इस तरह रखना है। आप चाहे खड़े होकर भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, आप चाहे इस पर भी कर सकते हैं। आपको ईंट को इस तरह पकड़ना है, इस तरह। उसके बाद स्लो स्लो आपको ऐसे करना है, स्लो, बिल्कुल स्लो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने मर्जी बात कर लें, 15-20, लेकिन स्लो, एकदम स्ट्रेट। इस एक्सरसाइज में आपको पहले बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपके लिए कट और यहाँ पर इस चीज़ पर पूरा लोड पड़ेगा, तो इससे जो शोल्डर है और भी मजबूत हो जाएगा। कोई भी चीज उठवा के ऐसे ऐसे फेंक सकते हैं आप। ये एक्सरसाइज करने के बाद हम बात करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के बारे में। इस एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन पे आना है। आप चाहे इस एक्सरसाइज को खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड है आपको कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में भी आपको इस तरह पकड़ना है आपको पीठ को, और सिंगल स्ट्रेट 1-2-1-2-1-2-1-2-1, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके की मजबूत हो रही है, देख सकते हैं, ये भी चीज मजबूत हो रही है। इसको आपको करना है स्लो स्लो करना है, जितने कर सकते हैं 50, 100, 150, 200, लेकिन स्लो।
अगर आप लोगों की ये वाली एक्सरसाइज हो जाती है तो हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने बॉडी वेट के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज में आपके आपके आगे के ऊपर के जो ये चीज है ये मजबूत होगी, बैक मजबूत होगी और ये साइड के कट मजबूत होंगे। इस एक्सरसाइज में आपको इस पोजीशन पे आना है। इस ये वाली एक्सरसाइज बैठ कर नहीं हो सकती, इसलिए हमें थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, हमें इस पोजीशन पे आना पड़ेगा, इस पोजीशन में, और हमें ऐसे पकड़ना है थोड़ा से करके स्लो। आप देख सकते हैं कि पूरा बैक पेन हो रहा हो। अगर आप लोगों की ये वाली एक्सरसाइज हो जाए तो इस जितनी भी एक्सरसाइज को मैंने आप लोगों को बताया, इस एक्सरसाइज को आप डेली करेंगे 100% रिजल्ट है कि आपके शोल्डर पूरे मजबूत हो जाएंगे, गारंटी के साथ ले सकते हो। अगर आप नहीं करेंगे, घर में सोते रहेंगे तो आपके कहाँ शोल्डर मजबूत होने वाले। शोल्डर की बात छोड़ो, आपकी पूरी बॉडी ही मजबूत नहीं होगी। आप घर पर लेटे रहेंगे, आपको 100 बीमारियाँ होंगी। आप जाओ, घर से बाहर निकलो, एक्सरसाइज करो, चाहे 10 से 15 मिनट 5 मिनट, लेकिन जितनी भी एक्सरसाइज करनी करो, लेकिन जरूर करो। इससे क्या होता है कि आपको कभी बीमारियां नहीं होगी, कोरोना शोरोना जो चल रहे कभी भी नहीं होगा। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग डेली एक्सरसाइज करें डेली, और इस एक्सरसाइज को तो आप डेली करें क्योंकि ये शोल्डर को तो आपको मजबूत रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जब भी लड़ाई होती है तो आपको शोल्डर ही की पावर दिखानी पड़ती है, और तो कुछ होता भी नहीं है। आपको कोई सामान उठा के इधर उधर रखना है तो आपकी शोल्डर की मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप डेली करें। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।